गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, कैप्टन जिले सिंह अकेडमी चरखी दादरी, सीईटी के एक प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट के साथ में आपके बीच में हूं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन एग्जाम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक बार इसको शेयर करो बेटा। चलिए बेटा, चलिए जल्दी से करें बेटा, एक बार इसको शेयर करो जल्दी से। राम राम जी, राम राम भाई। एक बार मैं इसको एक मिनट के लिए शेयर कर देता हूं, तब तक एक बार जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को करें। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां स्थित है, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है? तो एक बार आप इसको जल्दी से शेयर करें। वो चला देना बीच में जो कमेंट आते हैं वो दिखा देना। अच्छा ठीक है, जल्दी करो बेटा एक बार। जल्दी करो शाबाश। वैसे कल तक का किसी का कोई क्वेश्चन हो लास्ट क्लास का तो वो पूछ सकता है, उस दौरान तक आपको लगता है कि वो क्वेश्चन शेष है तो वो पूछ लीजिए एक बार। और इस क्वेश्चन का जवाब दे मेरे को जल्दी से एक बार, ठीक है? चलिए मैं क्लास को शुरू कर रहा हूं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है बेटा। बहुत अच्छे, तो जो जो बच्चे जुड़े हैं उन सबको थैंक यू मेरी तरफ से, और आगामी एग्जाम को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों का जवाब आ गया है ए, बहुत अच्छे शाबाश। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ है, तो बी जवाब आया है चेतन यादव, राम राम गुरुजी, राम राम भाई। जख्मी एसएससी अप्रेंटिस यमुनानगर, रोहित धायल, राम राम गुरुजी, राम राम, राम राम मनीष सांगवान। पाठक सर को मेरी तरफ से प्रणाम। रितु बलकरा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग फकीर बाबा, राम राम जी, राम राम, सबको मेरी तरफ से राम राम। अब क्लास को शुरू करते, पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, तो इसका जवाब लिखिए। जो बच्चों ने बताया वो बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। पंचमुखी जो मंदिर है वो यमुनानगर में है, और यमुनानगर में भी पूछे तो बेटा बिलासपुर नामक जगह है, और बिलासपुर से लेकर छिछरौली के बीच में जो मार्ग है उसके ऊपर ये है, और छिछरौली वो है जिसे हरियाणा का चीरापूंजी बोलते हैं। हरियाणा का चीरापूंजी किसे बोलते हैं, छिछरौली को बोलते हैं यमुनानगर। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कब बना था सर, 1989। ये किस लिए फेमस है, हरियाणा की पेपर सिटी यमुनानगर। हरियाणा के जुड़वा नगर कौन से आपके, जगाधरी और यमुनानगर, जगाधरी और यमुनानगर। यहीं पर है आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, ध्यान करोगे। और आजकल हाल ही में जो चर्चाओं में है आपका हथीनी कुंड बैराज, हथीनी कुंड बैराज जो है वो भी यही है आपका बेटा, हथीनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है, और इसी को हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग किसे कहते हैं, हथीनी कुंड बैराज को जो यमुना नदी से है। यही पर है आपका ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, और यही पर है आपका ताजेवाला कॉम्प्लेक्स। पंचमुखी क्यों बोलते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ हनुमान जी के पांच चेहरे पांच मुख दिखाई देते हैं। वैसे ध्यान रखना, हनुमान जी की जो जन्मभूमि है उसे कैथल माना जाता है, हनुमान जी की जन्मभूमि कैथल है। हनुमान जी के बचपन का नाम था मारुति, इनके बचपन का नाम था मारुति। इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे आप लोग सभी बच्चे। चलिए बनसंतोर शराब जगाधरी अंकित, राम राम गुरुजी, राम राम गौतम कॉन्सेप्ट, नाइस सेशन संदीप सर, थैंक यू डियर।
चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें एक मोटिवेशनल स्पीच देखिए, एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का एक भंडार है, यानी कि इसका सीधा सा मीनिंग है बेटा कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मान ली तो हार और ठान ली तो जीत। आप अपने आप में अर्जुन हो, उठ खड़े हो, ये महाभारत आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपके ज्ञान के बाणों से बच सके। तो कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे, कभी भी अपने आप को नेगेटिव ना समझे। चलिए, गुजरी महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ऋतु नमस्ते, नमस्ते भाई। मारुति कंपनी कब बनी थी? 1981 गुरुग्राम में प्रोडक्शन हो गई थी इसकी। ठीक है, आऊंगा इसमें, शायद वो क्वेश्चन है श्रीमान जी, फैन ऑफ कर्ण। आई एम ऑल्सो फैन ऑफ कर्ण माई डियर। महाभारत का वो योद्धा जो महाभारत के युद्ध में 2.5 दिन तक युद्ध करता है, सूर्य का पुत्र जो ताउमर जातिवाद के खिलाफ लड़ता रहा, और गुरु श्रेष्ठ भगवान परशुराम जी का वो शिष्य और माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, क्या व्यक्तित्व रहा होगा? उनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम। किसी दिन समय होगा जब मैं महाभारत पे डिस्कस करूंगा तो जरूर माय डियर मैं इस व्यक्तित्व के बारे में जरूर डिस्क्राइब करूंगा आपको मैं। चलिए, बी जवाब आया है बच्चों का, ए जवाब जिन जिन बच्चों का आया वो बिल्कुल ठीक है। ए जवाब आया है बच्चों का, जवाब ए आया है। चलिए बेटा, शाबाश। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के मेलों लेने का काम किया था। चलिए, गुजरी महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? अब इस क्वेश्चन को समझिए। शोर मानना बेटा, लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना। जरूर जितने क्वेश्चंस मिले होंगे लाइफ में कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा। तो इसका, ये जो फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था और ये हिसार में है। यदि मैं इस महल का निर्माण बताऊं तो 1354 में हुआ था। ये इनकी पत्नी गुजरी की याद में करवाया गया था। काले पत्थर का बना हुआ था, गुजरी महल। और यहीं पर एक भूल भलैया है, जो हरियाणा की सबसे बड़ी भूल भलैया है और भारत की सबसे बड़ी भूल भलैया लखनऊ है। लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी जो यूपी के पीलीभीत के फुलर झील से निकलती है और मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वह है आपकी गोमती, जो गंगा की सहायक नदी है। तो ध्यान करोगे, गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली का राजा रहता है, फिरोज शाह तुगलक, जिसने 300 शहर, 1200 बाग और 5 नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक जिसे आम के बाग सबसे अधिक थे, इसीलिए इसने आम के बाग सबसे अधिक लगाए थे। ब्राह्मणों पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, पहला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक। अंकित चाहर, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इतिहास लिखने के लिए हौसलों की नहीं, कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है। चलिए, इसका जवाब हो चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन समझिए, हरियाणा का औद्योगिक विहार किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए शाबाश, हरियाणा का औद्योगिक विहार किसे कहा जाता है? फकीर बाबा, गुजरी महल कहां पर है सर? कुरुक्षेत्र नहीं, गुजरी महल हिसार में है, हिसार बस स्टैंड के नजदीक है और यहीं पर लाट है, फिरोज शाह तुगलक की लाट हिसार में है भाई। बच्चों का भी जवाब आया है, गुरुग्राम उज्जवल गुजर भी। बिल्कुल सही है, बी जवाब है इसका, गुरुग्राम। गुरुग्राम को औद्योगिक विहार कहा जाता है।
गुरु द्रोण की, गुरु द्रोणाचार्य की याद में बसा हुआ स्थान है ये। द्रोणाचार्य जिसकी याद में 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू हुआ था, जो कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है, और पहली बार ये पुरस्कार बलालचंद, पहली बार ये पुरस्कार बलालचंद भास्कर को मिला था। वैसे ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, फरीदाबाद, सॉरी फतेहाबाद नहीं, फरीदाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये दोनों सबसे अधिक टैक्स पे करने वाले हैं। शीतला माता मंदिर यही है, शीतला माता मंदिर यही है, शीतला माता मंदिर यही है गुरुग्राम में आपका। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में फ्लोवर मंडी किस देश की तर्ज पर लगाई गई है? अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में फ्लोवर मंडी, बलालचंद चांदनी भास्कर है, लाडला जाट बलालचंद भास्कर है, कुश्ती से थे ये। सामान्य रूप से 5 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, वैसे ज्यादा भी हो सकता है, कोई खास नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का संगठन यही है, जिसमें लगभग 122 देश हैं, और ये वो देश हैं जो भूमध्य रेखा के निकट है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर वाले देश है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। ऐसे बच्चे और ज्यादा क्वेश्चन बताने के लिए प्रेरित करते हैं, थैंक यू। इजराइल, इसका जवाब आया है इजराइल, बच्चों ने जो जवाब दिया है उसका उत्तर आया है इजराइल। अरे इजराइल से सीख सकते हो आप लोग, इजराइल से सीख सकते हो, इजराइल से जीना सीखो, अपने ही भुजदंडों पर, अपनी बाजुओं पर यदि जीना सीखना है तो इजराइल से सीखिए। इजराइल एक छोटा सा देश जो यहूदी बाहुल्य देश है, इसकी नकल की हमने, इससे देख कर ये किया है भाई, यहूदी बाहुल्य देश, यहूदी जिनका पूजा स्थान सिनेगॉग है, यहूदी जिनका पूजा स्थान सिनेगॉग है। इजराइल, हरियाणा का इजराइल किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का इजराइल अहीरवाल को कहा जाता है, अहीरवाल को, अहीरवाल को हरियाणा का इजराइल कहा जाता है। वैसे हमने एक तर्ज पे नीदरलैंड की तर्ज पे भी किया है, वैसे ये काम नीदरलैंड की तर्ज पे भी किया है बेटा, नीदरलैंड जिसके कुछ भाषा में हम, आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम होलैंड भी बोलते हैं, फिलिप्स कंपनी है जहां की, फिलिप्स कंपनी है जहां की आत्महत्या को, आत्महत्या को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है, किन्नर को, किन्नर को थर्ड जेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश आपका होलैंड नीदरलैंड है। बाइबल बुक हिब्रू भाषा में, बहुत अच्छे, बाइबल जो बुक है ये कौन सी भाषा में है? तो ये है आपकी हिब्रू भाषा में, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, शाबाश। हरियाणा में नॉन गार्बेज एक्ट कब लागू हुआ? हरियाणा में नॉन गार्बेज एक्ट कब लागू हुआ? हरियाणा में नॉन गार्बेज एक्ट कब लागू हुआ, जल्दी बताइए शाबाश। हरियाणा में नॉन गार्बेज एक्ट कब लागू हुआ? सी जवाब आया बच्चों का 1999 में, बहुत अच्छे। असल में है क्या माय डियर, ये एक्ट जो है, ये गार्बेज जो है, ये कूड़े कचरे वाला एक्ट है, ठीक है, कूड़े कचरे वाला एक्ट है। ये एक्ट तो आता है 1998 में, लेकिन इसे इंप्लीमेंट किया जाता है 1999 में। तो दोनों बातों को थोड़ा सा ध्यान कर लोगे। यदि आपसे पूछे एक्ट लागू कब हुआ, जैसा कि इसमें पूछा गया है, तो 1999 में, और एक्ट आया कब या प्रस्तुत कब किया गया, तो देन आपका आंसर हो जाएगा 98। वैसे 1999 आपको ध्यान होगा बेटा, 26 जुलाई, 26 जुलाई कारगिल डे, 26 जुलाई कारगिल दिवस, भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया था, थल सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, ऑपरेशन विजय, जबकि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जिसका नाम था सफेद सागर, सफेद
सागर, सफेद सागर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का किंग मेकर ताऊ किसे कहा जाता है? लाडला जाट एसएससी अप्रेंटिस और संदीप सर, थैंक यू, यू आर टेलिंग सो मच बेस्ट क्वेश्चंस, थैंक यू माय डियर। हरियाणा का किंग मेकर किसे कहा जाता है? शाबाश, तो इसका जल्दी बताएं बेटा, शाबाश मेरे को जवाब। देवीलाल, बहुत अच्छे शाबाश। रोहित धायल, बहुत अच्छे माय डियर। तो इसका जवाब है चौधरी देवीलाल। किंग मेकर के नाम से, किंग मेकर के नाम से किसे जानते हैं? चौधरी देवीलाल, वो चौधरी देवीलाल जिन्हें ताऊ के नाम से जाते हैं, वो चौधरी देवीलाल जिसे किंग मेकर बोलते हैं, वो चौधरी देवीलाल जो दो बार देश के उप प्रधानमंत्री बने, वो चौधरी देवीलाल जिन्होंने 1987 में बुढ़ापा सम्मान पेंशन निधि लागू की, वो चौधरी देवीलाल थे भाई जो 68 साल की उम्र में हरियाणा के सीएम बने थे और हरियाणा के सबसे बुजुर्ग सीएम थे ये, वो चौधरी देवीलाल जिन्होंने INLD नाम का राजनीति का वो पौधा लगाया था, वो चौधरी देवीलाल जिसके पुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो सबसे अधिक बार 5 बार हरियाणा के सीएम बने, सबसे छोटा कार्यकाल भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब का ही था। आज इनका ग्रेट ग्रैंडसन चौधरी देवीलाल जी का जो पड़पोता है वो है दुष्यंत सिंह चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो उचाणा से एमएलए है, उचाणा बेटा जींद में है और वर्तमान हरियाणा में डिप्यूटी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है और चौथे नंबर के हैं, चौथे नंबर के उप मुख्यमंत्री है। और आप पहला उप मुख्यमंत्री यदि मैं बताऊं हरियाणा का तो चांदराम झज्जर, और झज्जर एकमात्र ऐसी सीट जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, जिला मुख्यालय की सीट, वो झज्जर जिसे शहीदों का जिला बोलते हैं जबकि शहीदों का गांव तिगांव। चलिए, 90 में से 85 सीट जीती थी एसएससी बेटा, वो सीधी बात है कि वो साल है 1987 का। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, एमपी से सीधा पीएम बनने वाले चंद्रशेखर राव, वो ये एक मजाक लहजा मानिए, जो भी मानिए, चंद्रशेखर राव जी यूपी के बलिया के बाबू थे, बलिया से आते थे, तो ये कई बार एमपी बने, जेपी आंदोलन में भी काफी एक्टिव थे और 1989 में तो ये अग्रणीम श्रेणी के लीडर थे। तो इनसे को जब कहा जाता कि भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत बार बन चुके हैं तो मंत्री पद को संभालिए, तो हर बार ये एक ही जवाब देते थे कि मेरे को मेरी माँ ने जो जन्म दिया है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए दिया है, ना कि मंत्री बनने के लिए। तो सीधे मंत्री ना बनने की बजाय ये सीधे प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्यटन स्थल फतेहाबाद में स्थित है? हरियाणा का कौन सा पर्यटन स्थल फतेहाबाद में स्थित है? संघर्ष स्थल सही है, सर आपकी क्लास ली पीछे लग गए कि पेपर क्लियर है? रे मेरे भाई सबका क्लियर होगा, सभी टीचर अच्छे हैं कैप्टन जिले सिंह अकेडमी के, निश्चित रहिए। जितना मेरे को आता है, जितनी मेरी जानकारी है, हर समय हर हालात में मैं अपने विद्यार्थियों के साथ हूं, निश्चित मानिए आप लोग। अंकित चाहर बेटा लगातार पढ़ो क्लास को, बी जवाब दिया पपैया। अब देखिए फतेहाबाद के बारे में कुछ उस अच्छे क्वेश्चन। फतेहाबाद, फतेहाबाद जो शहर है ये फतेह खां की याद में बसाया गया। फतेह खां की याद में कब बसाया गया सर? 1352 में। किसने बसाया सर? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया सर। फतेहाबाद किस लिए फेमस है सर? चिल्ली नगरी के नाम से, चिल्ली नगरी के नाम से फतेहाबाद। तराजू के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है हरियाणा का? ये फेमस है। और पपिया यहां का प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसको ध्यान करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जयंत पाली यूनिवर्सिटी किस जिले में है? तो बेटा ये जात पाली है, ये जात पाली है, ये जयंत पाली नहीं है, ये मिस हुआ उनसे, ये जात पाली है। ये गांव का नाम है बेटा जात पाली, जात पाली गांव का नाम है, महेंद्रगढ़ के अंदर गांव का नाम है जात पाली। महेंद्रगढ़, शाबाश, सही बताया बच्चों ने। अब इसमें ये जाट पाली है बेटा, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं, थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, ठीक है, एक तो ये याद रखेंगे। और ये लगभग 480 एकड़ में बना हुआ है, एकड़ में बना हुआ है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। महेंद्रगढ़ में है बेटा ये, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कानोड, कानोड महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है, याद करेंगे। पानीपत, इसका पुराना नाम है पानीग्रस्त। और ये बुनकरों का शहर कहलाता है बेटा, बुनकरों का शहर, बुनकर मतलब दरी चद्दर वाला शहर है ये। और क्या रखे सर इसमें, बुनकरों के लिए एक मार्ग का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है रैग मार्ग। इसको नोट डाउन करके लिख लेना बेटा, इस बात को नोट डाउन करके लिख लेना, नोट डाउन करके लिख लेना बेटा, बुनकर उद्योग के लिए रैग मार्ग का प्रयोग किया जाता है। जींद आपको पता ही है बेटा, हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा है जींद। करनाल, सीएम सिटी, सीएम सिटी। और जिस महान शख्सियत सूर्य पुत्र कर्ण का मैं पहले डिस्कस कर रहा था, उस सूर्य पुत्र कर्ण की याद में बसाया गया स्थान है ये करनाल, कर्ण झील यहीं पर है आपका, ठीक है। हरियाणा में बैलों की छुट्टी का संबंध किस त्योहार से है? हरियाणा में बैलों की छुट्टी का, हरियाणा में बैलों की छुट्टी का संबंध किस त्योहार से है? हरियाणा में बैलों की छुट्टी का संबंध किस त्योहार से है? हार्ट ऑफ जींद रानी तालाब, और रानी तालाब का हृदय भूतेश्वर मंदिर, ठीक है। रानी तालाब का जो भूतेश्वर मंदिर है, ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नकल पर बनाया गया। स्वर्ण मंदिर जिसका पुराना नाम हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा था, जिसके लिए जमीन अकबर ने दी थी, और बनाएगा इसका अर्जुन देव, सिखों का पांचवा गुरु अर्जुन देव, जिसे जहांगीर के द्वारा 1605 और 6 में जिनको मृत्यु दंड दे दिया गया था। बिल्कुल सही है शाबाश, ए जवाब आया बच्चों का। अमावस्या, अमावस्या समझिए इस बात को, अमावस्या के बारे में। वैसे तो अब वो समय थोड़ा सा कम हो चुका है बैलों वाला हरियाणा में, लेकिन फिर भी मानते हैं कि हमारा धर्म हिंदू है, और हिंदू धर्म के अनुसार गाय का एक विशेष दर्जा है हमारे लिए। तो अमावस्या के दिन छुट्टी की जाती थी बेटा, ध्यान रखना। एक माह में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष है आपका कृष्ण पक्ष और एक है आपका शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरा होता है, जिसमें अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा की रोशनी होती है, जिसमें मुख्य चीज होती है पूर्णिमा। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन ही ये जादू टोने वाली स्थिति ज्यादा इफेक्टिव होती है, जादू टोने वाला स्थिति ज्यादा इफेक्टिव अमावस्या को होती है। और ये कहा भी जाता अपने हरियाणा में, सोमवार की अमावस्या और बुद्ध पूर्णिमा का अपने लिए बड़ा विशेष महत्व है। ध्यान देना बेटा, महात्मा बुद्ध जी का जन्म वार बुधवार पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध जी का ग्रह त्याग की घटना वार बुधवार पूर्णिमा, जिस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वार बुधवार पूर्णिमा, जिस दिन महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया वार बुधवार पूर्णिमा, और जिस दिन महात्मा बुद्ध जी का देहांत हुआ वार बुधवार और पूर्णिमा, और जिस दिन हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ उस दिन था वार बुधवार और पूर्णिमा, इसीलिए भारत सरकार ने उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था। चलिए
ऐसे ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। मेरा दादा तो न्यू कहता कि पहले तो अमावस्या ने आड़ी की छुट्टी होया करती। सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है। वो उसके एक दिन उसकी रिपेयरिंग का होता था, उसकी शान का। लेकिन जैसे भी हो, देखो हमारे बुजुर्गों ने जो जो चीजें बनाई हैं, मैं तो इस बात का कम से कम पक्षधर हूं, उन्होंने जो भी रूल्स बनाए होंगे उनका कोई ना कोई लॉजिक होगा। हाँ, हो सकता है कि जो चीज आज की कसौटी पर खरी ना उतरे तो उसको मत मानिए बेटा, लेकिन यदि हमारे पुरखों की कोई बात आज की कसौटी पर भी खरी उतर रही है तो कम से कम उसको अप्लाई कीजिए बेटा। 10 घंटे किताब पढ़ने से भी अच्छा है आप किसी अच्छे इंसान के विचार सुनिए। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी एक एक झुरी के अंदर पता नहीं कितना भंडार है ज्ञान का। कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने के लिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपका जीवन भी सही से गुजरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? हाँ सही बात है, सही बात है भाई, थैंक यू, शाबाश। इसका जवाब दीजिए बेटा मेरे को, पानीपत का दूसरे युद्ध जो हुआ ये अकबर और हाँ हाड़ी की कटिंग वगैरह का, सही है बेटा। रोहित धायल, हेमू, बच्चे का जवाब आया है हेमू, शाबाश, बच्चे का जवाब आया है हेमू, बच्चे का जवाब आया है हेमू। तो पहली बात ध्यान करेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, किस किस के बीच हुआ गुरुजी? अकबर और हेमू के बीच में। कुछ बातें हम लोग याद करेंगे, इस युद्ध में अकबर नहीं गया था माय डियर, इस युद्ध में गया था बैरम खां, जिसको उसने कौन सी उपाधि दे रखी थी? खान ए खाना। हेमू जिसका वास्तविक नाम था हेमचंद्र, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये रेवाड़ी से संबंधित था, वैश्य समाज यानी कि बनिया समाज का था। और इंपोर्टेंट बात, इंपोर्टेंट बात, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा है। अरे इस नाते तो कम से कम इस महापुरुष को याद कीजिए। इसके बाद जब तक देश आजाद नहीं हुआ दिल्ली के तख्त पर कोई हिंदू व्यक्ति नहीं बैठा। यह हमारे सनातन धर्म के लिए बड़ी प्राउड की बात है बेटा। अच्छा, इन्होंने एक उपाधि धारण करी थी विक्रमादित्य की उपाधि। ये 14वें और अंतिम राजा थे जिन्होंने इस अवार्ड को धारण किया था। पहला व्यक्ति जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो था बेटा चंद्रगुप्त। हेमू का यदि मैं समाधि स्थल बताऊं तो पानीपत है, और यदि हेमू की हवेली बताऊं तो रेवाड़ी में है, रेवाड़ी के कुतुबपुरा नामक स्थान पर। 22 लड़ाइयों का विजेता है आपका हेमू। किसी टाइम पर बिहार के शासक आदिल सासूर का ये सेनापति होता था। देखिए एक नमक के व्यापारी ने किस प्रकार से दिल्ली की सल्तनत को हिला डाला और मुगलों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। और शेरशाह सूरी जो अपने आप में मुगले आजम कहलाया, उसको वापस पाकिस्तान में खदेड़ दिया। और उसका पुत्र का जन्म 1542 को राणा वीरसाल के महल में हुआ। चलिए, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा का किस महाकाव्य में उल्लेख किया गया है? उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें हरियाणा का जिक्र किया गया है, उस महाकाव्य का नाम बताइए, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें हरियाणा का जिक्र किया गया है। कौन सा है वो महाकाव्य, कौन सा है वो महाकाव्य जिसमें जिक्र किया गया है? चलिए बेटा, तो बच्चों का जवाब आया है बी, मिन्नु वशिष्ठ बी। ऐसे
बी जवाब आया है महाभारत, बी जवाब आया है बेटा आपका महाभारत। अब इसको समझिए आप लोग, महाभारत जिसका पुराना नाम है जय संहिता, जिसके अंदर श्लोकों की संख्या थी या है 1,00,000। महाभारत जिसका लेखक है गणेश जी भगवान। महाभारत जिसके रचयिता माने गए हैं महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। जिस नदी के किनारे इसे लिखा गया था वो नदी है सरस्वती, और सरस्वती नदी का वेदों में जो जिक्र है वो 12 बार है। गंगा नदी का वेदों में 1 बार जिक्र है, यमुना नदी का 3 बार है, और सिंधु नदी का 176 बार जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में सरस्वती से पवित्र कोई नदी नहीं है भाई, जिसमें स्नान करने मात्र से बड़ा पुण्य मिलता है, स्नान करने मात्र से बड़ा पुण्य मिलता है। तमन्ना लच 8B, नवीन कुमार शाबाश भाई, बहुत अच्छे बेटा। अब समझिए इस बात को, महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ? 18 दिन। एक अजीब बात बताता हूं, पता नहीं मेरे को भी इस बात का, और मेरे को तो क्या बड़े बड़े विद्वानों को नहीं पता, और इतनी तो मेरी जानकारी नहीं है कि मैं पुराने जो हमारे धर्म शास्त्र के जो पुस्तक हैं उनके ऊपर कोई कमेंट कर पाऊं, या उनमें लिए मैं ये कह पाऊं कि इसमें कोई ये गलती है, इतना दिमाग नहीं है मेरे अंदर। लेकिन समझना इस बात को, महाभारत के युद्ध में 18 नंबर का बड़ा महत्व है। 18 नंबर, महाभारत का युद्ध 18 दिन, टोटल सेना 18 अक्षणी सेना, टोटल व्यक्ति जो जिंदा बचे थे महाभारत के युद्ध के बाद 18 दिन व्यक्ति जिंदा बचे थे, बड़ा महत्व है ये इस बात का। तो समझते चलिए आप लोग, रामायण, रामायण के हैं महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी। गीतांजलि, ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि, जो बांग्ला भाषा में है, और बांग्ला भाषा भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा, और इसी गीतांजलि को लेकर सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? सर रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था बताइए शाबाश, क्या मिला था? नोबल प्राइज, ना केवल भारत बल्कि एशिया महाद्वीप, 49 कंट्रीज, जिस एशिया के अंदर दुनिया की लगभग 60% पॉपुलेशन निवास करती है, उसमें पहला व्यक्ति जिसे नोबल प्राइज मिला था। तो यह महाभारत का युद्ध आपके कुरुक्षेत्र में हुआ था। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा की थी, बताइए शाबाश। उर्मिला जागड़ा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, नोबल प्राइज, बहुत अच्छे बेटा, बाकी लेट जुड़े हो, टाइम से जुड़ा करो, शाबाश। अब जल्दी करके मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चंस का जवाब दीजिए सभी बच्चे। तमन्ना LH8, बहुत बढ़िया बेटा, बी जवाब आया पांडवों ने, बहुत अच्छे, शाबाश रोहित धायल। चलिए बेटा अब इसका जवाब मैं आपको समझा देता हूं, जिन जिन बच्चों का कमेंट आया है बहुत अच्छे। पांडवों ने जींद के, ये जींद में बेटा पांडु पिंडारा, जींद में है ये पांडु पिंडारा, एक बात को ध्यान रखना, यहां पर पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना की जाती पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना की जाती है। पांडव, यदि आपसे पूछे पांडव कितने थे? 5। महाराजा पांडु की संतान कितनी थी? 5। 2 पत्नियां थी इनकी, माता कुंती और माता माद्री, माता कुंती और माता माद्री। माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र अंगराज कर्ण, सम्राट युधिष्ठिर, धनंजय अर्जुन, विगोधार भीम, नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव, ये माद्री जी के थे भाई, माद्री के थे। तो पांडु पिंडारा के अंदर पांडवों के द्वारा अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार, सॉरी पूजा की गई थी। अच्छा ध्यान रखना, जींद हरियाणा गठन के समय हरियाणा का सबसे छोटा जिला, जींद आज तक का हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें कोई काट छाट नहीं हुई है, वो जींद है भाई, जींद में कोई काट छाट नहीं है।
जयंती नगर के नाम से मशहूर जीन। मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रमुख जीन। याद रखो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए बेटा। मेरे साथ में बैठे रवि सर बता रहे हैं कि हार्ट ऑफ हरियाणा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शायद सर को यह नहीं पता, मैंने तो ये भी बताया कि मानव हृदय की आकृति बंद मुट्ठी के आकार की। मानव हृदय चार कोशीय, दाया आलिंद बाया आलिंद, दाया निलय बाया निलय। भारत का हार्ट भोपाल, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हार्ट भोपाल, हरियाणा का हार्ट जींद, जींद का हार्ट रानी तालाब, और रानी तालाब का हार्ट भूतेश्वर मंदिर जो अमृतसर की तर्ज पर बनाया गया है। कौन सी योजना हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई गई थी? निम्न में से कौन सी योजना है? शकुनी की हत्या किसने की थी? नकुल, सॉरी सहदेव है माय डियर। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मे, राजा परीक्षित किसके पुत्र थे? ये है भाई महाराजा पांडु के हुए अर्जुन, अर्जुन का हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा और अभिमन्यु के गर्भ से जिस बच्चे का जन्म हुआ परीक्षित। बताते हैं कि परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग का शुरुआत हो गई थी, और इस परीक्षित को बचाया था भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था। चलिए ए तीर्थ दर्शन योजना, बिल्कुल सही है, हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तीर्थ दर्शन योजना, तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है, तीर्थ दर्शन योजना है ये, तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कोई नहीं। हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? बच्चों का जवाब भी आ गया ए। अच्छा पिछले क्वेश्चन का तो नहीं है, कोई नहीं, बच्चों का जवाब आया है अभी। उर्मिला जांगड़ा ए, रोहित धायल, ऋतु बलकरा ए, शाबाश अंबाला, बहुत अच्छे, नवीन कुमार ए, मीनू वशिष्ठ ए। मीनू शायद संस्था की ओल्ड स्टूडेंट है, मीनू वशिष्ठ शायद। चलिए चलिए हरियाणा का व्यस्तम जो रेलवे स्टेशन उसकी चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले रेल के बारे में बताता हूं, रेल, रेल का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। आधुनिक डाकखाने का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। विलय की नीति किसने चलाई? डलहौजी ने। लैप्स की नीति किसने चलाई? डलहौजी ने। अब बात करता हूं भारत, भारत की पहली ट्रेन 1851 हरिद्वार से कहां चली थी? रुड़की के बीच में। ध्यान दो बेटा, ये मैंने बताई है मालगाड़ी, सवारी गाड़ी अभी बताऊंगा। 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, शाम को 3:35, 14 डिब्बे, 400 सवारी, ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी। चलिए मुंबई से थाने सावास। अब मैं बात कर लेता हूं हरियाणा की, हरियाणा में पहली ट्रेन पूछे, हरियाणा में पहली ट्रेन पूछे, ध्यान दो बेटा, दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी, वैलेंटाइन डे वाले दिन चली थी बेटा ये, दिल्ली से रेवाड़ी।
1873 में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यही है रेवाड़ी, जबकि वैष्णव वाड़ा है अंबाड़ा। अंबाड़ा में ट्रेन 1881 में चलती है। ध्यान करोगे आर्य सबसे पहले यहीं पर आए थे। हरियाणा की पहली गौशाला, हरियाणा की पहली गौशाला, हरियाणा क्या भारत, भारत क्या भारत वर्ष की पहली गौशाला रेवाड़ी में खोली गई थी 1879। जिसने इन्वेस्ट किया था वो राव युधिष्ठर, और जिसने उद्घाटन किया था वो महर्षि दयानंद सरस्वती, जिसका वास्तविक नाम था मूल शंकर। चलिए बेटा आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे कम वन आवरण किस जिले में है? मुंबई से थाने, बहुत अच्छे बेटा। हरियाणा में सबसे कम वन आवरण किस जिले में है? चला 5% बेटा, हरियाणा में सबसे कम वन। देखिए एक बात, जवाब आया बच्चों का सर डेट कैसे याद करें, याद कराएंगे माय डियर, चिंता मत करो आप लोग। ए जवाब है रेवाड़ी में, कहा है भाई? अरे रेवाड़ी में नहीं है, फतेहाबाद है। सबसे कम वन हरियाणा में फतेहाबाद, पानीपत ज्यादा वाला हिस्सा। वैसे भारत के परिपेक्ष में, यदि मैं भारत के परिपेक्ष में बताऊं तो जो वन नीति है उसके तहत, वैसे हरियाणा में नई वन नीति 2006 में आई थी बेटा, नरेगा की शुरुआत भी 2006 में हुई थी, चौधरी बंसीलाल जी की मृत्यु भी 2006 में हुई थी। हरियाणा में राष्ट्रीय विरासत मेला, विरासत मेला ये भी 2006 में आया था। तो वन नीति ये बोलती है कि मैदानी क्षेत्र में 33% हिस्से पर वन होने चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र में 44% हिस्से पर वन होने चाहिए। सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश है और सबसे कम वाला आपका हरियाणा है। तो जिन जिन बच्चों का जो जवाब आया है वो सही है, बी वाला, शाबाश। अगला क्वेश्चन भाई, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है कौन सी दिशा में? हरियाणा के बीच सीमा बनाती है कौन सी दिशा में बनाती है? कौन सी दिशा में बनाती है ये सीमा, जल्दी बताएं, शाबाश। बी दक्षिणी, कहां आ गई माई बेटा? अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करें, शाबाश। जल्दी बताइए, सी पूर्वी सीमा, शाबाश उर्मिला जांगड़ा, शाबाश। सी जवाब आया बच्चे का, पूर्वी सीमा। बाकी का जवाब क्यों नहीं आया बेटा? सी रोहित दायल नंबरदार। अरे बड़ी जिम्मेवार जिम्मेवारी वाली पोस्ट है नंबरदार भाई। चलिए रितु मीनू नवीन सी, बहुत अच्छे भाई, सी जवाब आया यमुना नदी। ध्यान कीजिए बेटा यमुना नदी, इसके बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा देता हूं। यमुना नदी जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना नदी जो हिमालय से निकलती है, और हिमालय में भी बताऊं तो बेटा महान हिमालय से, महान से निकलती है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। वेदों में इसका जिक्र किया गया है 3 बार। गंगा की ये सहायक नदी है। हरियाणा और यूपी के बीच में ये बाउंड्री बनाती है 320 किलोमीटर। हरियाणा के यमुना नगर से ये एंट्री करती है और अलीगढ़ से ये बाहर चली जाती है। अलीगढ़ से ये मतलब हसनपुर से अलीगढ़ की तरफ चली जाती है, हसनपुर से अलीगढ़ जिसे लोक सिटी के नाम से जानते हैं वहां चली जाती है ये। सर सीआई सब की आंसर की कब तक आएगी? इस वीक में उम्मीद है भाई, फेस्ट में ही।
आंसर की कब तक आएगी सर? भाई कौन से की पूछ रहे हो? जो अपनी एकेडमी में हुआ था वो तो जैसे ही मैं क्लास ओवर करूंगा उसके तुरंत बाद आ जाएगी। आपका रिजल्ट बनके तैयार हो चुका है बेटा। चलिए, समझ में आई बात यहां तक? अथीनी कुंड बैराज, अथीनी कुंड बैराज, अथीनी कुंड बैराज यही है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के किनारे है, यमुना नदी के ही किनारे है। याद करोगे इसको आप लोग छोटी छोटी बातों को। यमुना की सहायक नदी देखो बेटा, गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, चंबल की सहायक नदी बिनास, बनास और बनास की सहायक नदी छिप्रा, छिप्रा जिसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, मारुति कंपनी किस वर्ष गुरुग्राम में स्थापित की गई थी? मारुति कंपनी किस वर्ष गुरुग्राम में स्थापित की गई थी? चंबल, चंबल की मशहूर विलन भी थी भाई एक, फूलन देवी, चंबल की मशहूर विलन फूलन देवी, जिसको शमशेर सिंह राणा, सॉरी शेर सिंह राणा के द्वारा जिनकी हत्या की गई थी या वध की गई थी, वो तो वो जाने, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा अभी, ठीक है। तो मारुति कंपनी कब आई थी? 1981 में। हरियाणा में मारुति कंपनी कब आई थी? 1981 में, 1981 में। कहां स्थापित की गई थी सर? ये गुरुग्राम में। प्रधानमंत्री कौन थी सर समय? इंदिरा गांधी जी। इसको चालू करने वाले मेन व्यक्ति कौन थे? संजय गांधी जी। संजय गांधी जी की वर्तमान जो पत्नी है उनका नाम है मेनका गांधी, मेनका गांधी। ये मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रही है भाई। और इनके पुत्र है वरुण गांधी जो पीलीभीत से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके बीजेपी में है, आजकल बीजेपी में है, ये पहले बीजेपी में ही थे। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपके जो बुनकरों का शहर है वो जल्दी बताइए बेटा एक बार। सी जवाब आया है, शाबाश। पानीपत, पानीपत को बुनकरों का शहर बोलते हैं। अचार नगरी, अचार नगरी भी पानीपत है, अचार नगरी भी पानीपत है, अचार नगरी भी, अचार नगरी भी पानीपत है आपकी, अचार नगरी भी पानीपत है। पानीग्रस्त इसका पुराना नाम था, पानीग्रस्त इसका पुराना नाम था। हरियाणा में यूरिया प्लांट वो भी यहीं पर है, हरियाणा में पेट्रोलियम प्लांट वो भी यहीं पर है। ध्यान रखना बेटा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 40% होती है, जबकि डीएपी में सबसे अधिक जो होता है वो होता है आपका फास्फोरस, फास्फोरस। छोटी छोटी बातें जो शक्तिमान के साथ में आती थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इनको ध्यान रखोगे आप लोग। सुषमा स्वराज का संबंध किस जिले से है? सुषमा स्वराज का संबंध किस जिले से है बताइए, शाबाश। सुषमा स्वराज का संबंध किस जिले से है? तो बेटा जो सुषमा स्वराज जी हैं, सुषमा स्वराज जी, उनका संबंध आपके अंबाला से है। याद करोगे देश की पहली महिला जो विदेश मंत्री बनी थी, विदेश मंत्री बनी थी यही थी। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की पहली महिला अध्यक्षता ये भी यही बनी थी, सुषमा स्वराज। वैसे स्वराज बेटा इनके पति का नाम है जो आपके भारत के एक राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज सबसे छोटी उम्र की आयु में हरियाणा में छोटी उम्र में
मंत्री बनने वाली है। चौधरी देवीलाल जी की गवर्नमेंट में मात्र 25 साल की उम्र में ये मंत्री भी बन गई थी, जबकि हरियाणा का सबसे युवा एमपी चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला हिसार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये एमपी बने थे। सुषमा स्वराज के नाम का जो बस स्टैंड है वो अंबाला में है, वो अंबाला में है। ध्यान रखेंगे इन बातों को हम, सुषमा स्वराज जी की इन बातों को ध्यान करेंगे। ये वही सुषमा स्वराज है बेटा जिन्होंने आड़तियों को हरियाणा के किसानों का एटीएम कहा था। कैसे भूल जाए उस महिला शख्सियत को जो अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व थी। वो महिला स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है जल्दी बताइए शाबाश। स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, जल्दी से कमेंट करें शाबाश। रोहित धायल डी जवाब आया है, कुरुक्षेत्र। ये वही है बेटा, आप इसको थानेश्वर बोलिए या स्थानेश्वर बोलिए कोई खास बात नहीं है, ये वही स्थानेश्वर है जो आपके कुरुक्षेत्र में है। ये वही स्थानेश्वर है जो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी होती थी। ये वही थानेश्वर है आपका जो मारकंडा नदी के किनारे है। ये वही थानेश्वर है जहां 1014 में महमूद गजनवी ने हमला किया था और स्वामी चक्रपाणि महाराज की मूर्ति को तोड़ दिया था जो अष्ट धातु की बनी हुई थी। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट 1973 में बनता है। टाइगर प्रोजेक्ट भी आपका 1973 में ही आया था। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक भी 1973 में ही रखा गया था। इन बातों को ध्यान रखेंगे आप लोग। कुरुक्षेत्र हरियाणा का वो इलाका जहां सबसे अधिक आलू उत्पादन होता है, वो भी आपका कुरुक्षेत्र है। शाहबाद चीनी मिल ये भी आपके कुरुक्षेत्र में ही है। इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, 360 तीर्थों का स्थान कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई थी और इसको बनाने में गुलजारीलाल नंदा जी का सबसे अहम योगदान था। चलिए बेटा आज की क्लास ये ओवर हुई, इन्हीं फिर मंडे को हम फिर मिलेंगे और एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए आपको थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते, सबको प्रणाम।